Class 8, Holy Child School. Today we are going to start a new chapter, chapter number 7, exercise 7.1. So we have factorization. This is nothing, kuch nahi isme. The main thing which you need to do is to take common. Aapko common lena isme, both numerical part aur jo variable part hai, dono se common lena hai. So let me discuss the first one. Suppose number 1, 12x square minus 9x. Now, first we will look at the numerical part, number wale part mein, 12 or 9. To sabse maximum kya hum common le sakte 12 or 9 mein? Uske liye aapko ya to aap andaze se kar sakte ho ya to aap HCF nikal sakte ho, highest common factor. So 12 or 9 ka aapka HCF aayega 3. That means we can take as 3 as common. Now here we have x square. 2x means x square mein 2x hai, yahan par 1x hai. To kam se kam hum le sakte common 1x. 2x to le hi sakte. Kyunki yahan par 2 hai, yahan par to 1 hai. So hamara common aa gaya hai 3x. To yahan kya bachega? Numerical part mein bachega 4, kyunki 3 4 sa 12 hota hai. Theek hai? Aur 2x mein se x chala gaya to 1x bachega. First part is done. माइनस माइनस तो माइनस, प्लस है तो प्लस. नाइन में से थ्री चला गया तो थ्री बचेगा, थ्री थ्री इज अ नाइन, और एक्स तो पूरा चला गया, दैट्स इट. तो यही हमारा फाइनल आंसर है बस, और कुछ नहीं करना आपको, राइट? दिस इज अवर फाइनल आंसर. सो आपको ये ध्यान रखना कि कॉमन लेने के बाद अगर आप इसको दोबारा इंटू करो तो सेम वही चीज आना चाहिए आपका, थ्री एक्स इंटू फोर एक्स, थ्री फोर जो ट्वेल्व, और एन एक्स 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 स्क्वायर, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर. 3x into 3, 3 is a 9, 9x, minus 9x. बस थोड़ा सा आगे चला जाता हूं मैं. लेट मी टेक नंबर 6. नंबर 6, x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स y z स्क्वायर. तो सबसे पहले हम x से स्टार्ट करेंगे. यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर x है, यहां पर x है. तो कम से कम x हम कॉमन ले सकते हैं, कम से कम x हम कॉमन ले सकते हैं. x हमने कॉमन ले लिया. अच्छा, y यहां पर एक है, यहां दो है, यहां पर एक है. तो यहां भी कम से कम हम एक कॉमन ले सकते हैं. और इसी तरीके से z भी देखोगे, हम एक z कॉमन ले सकते हैं. अब क्या बचता है एक एक करके? तो x दो में से एक चला गया, एक बचा. ये ध्यान से आपको लिखना है, ठीक है ना? दो में से एक चला गया, एक बचा. y एक था चला गया, z एक था चला गया, यानी खाली x बचा हुआ है, ठीक है? प्लस यहां पर देखो, एक x था चला गया, y दो में से एक चला गया तो एक बचेगा, Z एक था चला गया है, ठीक है ना? एक कॉमन चला गया है, इसलिए ध्यान से करना है आपको, मुश्किल बिल्कुल नहीं है. और इसी तरीके से लास्ट में देखोगे तो खाली Z बढ़ेगा, Z बचेगा, बाकी सब कॉमन चला गया है. सो दिस इज अवर आंसर, राइट? नाउ लेट अस मूव टू अ बिट मोर एडवांस क्वेश्चन. लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 12. x cube plus y cube, don't write in capitals, plus xy, x plus y. So सबसे पहले आप ये xy को इसके साथ इंटू करो आप, राइट? इंटू करो आप, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग. तो ये तो सेम ही रहेगा, x cube y cube सेम रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. अच्छा, एक्स वाई इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर वाई आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस फिर एक्स वाई के साथ वाई का इंटू, एक्स वाई इंटू वाई एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है? ये हमारा आ गया है. अब कॉमन लेने के लिए हम सजा सकते हैं, एक्स एक्स वालों को एक साथ कर लो जिसमें एक्स हो,
और अगर इन दोनों को कॉमन लेते हैं तो आएगा x स्क्वायर कॉमन आएगा, x प्लस y बचेगा, और इन दोनों में से अगर लेंगे तो आपका यहां भी x प्लस y बचेगा। यस yes. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, देखकर लेना है। सो हम लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे इसको, x क्यूब प्लस x स्क्वायर y एक साथ लिखेंगे और प्लस y क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक साथ लिखेंगे, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या लेना है, इसमें एक्स क्यूब है, इसमें एक्स स्क्वायर है, यानी कम कम वाला कौन सा, स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया, एक्स क्यूब में से आपका स्क्वायर चला गया, एक्स बचा, और यहां से एक्स स्क्वायर पूरा चला गया, खाली वाई बचा, ठीक है। दिस इज एक्स, एक्स है, इसको थोड़ा साफ सफाई से लिख लेते हैं। ऑल राइट, एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से यहां वाई क्यूब और ये एक्स वाई स्क्वायर है पूरा, इसमें से कम वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा हमारा वाई प्लस एक्स। नाउ एक्स प्लस वाई एंड वाई प्लस एक्स बोथ आर सेम, दोनों सेम है, आगे पीछे लेकिन सेम ही है। अब देखो अगर ये पूरा हम देखते हैं, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, तो दोनों पार्ट में हमको x प्लस वाई और ये y प्लस एक्स को भी हम x प्लस वाई मान सकते हैं, तो x प्लस वाई कॉमन आ रहा दोनों पार्ट में, ठीक है। तो x प्लस वाई हम कॉमन ले रहे हैं, तो x प्लस वाई हम लोग कॉमन ले रहे हैं, यहां क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर लिखा, यहां क्या बच गया, प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस साइन है तो इसको भी लिखना है आपको, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बस। अब ये और इससे छोटा नहीं हो सकता, खत्म है, दैट्स इट। सो यू डू एटलीस्ट, मैं कुछ देता हूं आपको, बाकी तो सारे करना, कहीं इशू आया तो मुझे जरूर बताना। एक मैं मैं सर्कल लगा रहा हूं, उनको आप जरूर मुझे भेजना फोटो, बाकी करना, कुछ दिक्कत आए तो जरूर पूछना मुझसे। एक ये दिया, एक 13 दे रहा हूं मैं, एक 16 दे रहा हूं मैं, पांच सवाल दूंगा, लास्ट के दो जरूर दूंगा मैं आपको। यू कैन लुक गो थ्रू द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, सो डू दीज फाइव सेंस एंड सेंड टू मी एंड डू द रेस्ट योरसेल्फ आल्सो।